दोस्तों मेरे पीछे जो ये आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, ये है दोस्तों भारत का लास्ट रेलवे स्टेशन। देखिए ये टमटम इसको बोलते हैं, यानी घोड़े की सवारी। तो ये चीज जो है आपको बिहार, मतलब बिहार समझे कि गांव के एरिया में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको इंडिया की जयनगर स्टेशन जो है ये वाली स्टेशन है, और इसके बगल में जो आप ये देख रहे हैं ना ये स्टेशन, वो नेपाली जयनगर स्टेशन है। जितनी भी ट्रेनें हैं ना आगे जो जाती है, दरभंगा हो या समस्तीपुर हो या फिर इससे आगे हो, सब जो है दिल्ली की ट्रेन सब यहाँ पे दोस्तों यहीं से जो है खुलती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों मेरे पीछे जो ये आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, ये है दोस्तों भारत का लास्ट रेलवे स्टेशन। इससे आगे जो है भारत का स्टेशन नहीं आता, इससे आगे जो है नेपाल बॉर्डर आ जाता है। और मैं अभी जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ ना दोस्तों, ये बिहार के मधुबनी जिले का जो एरिया है जयनगर, मेरे पीछे जयनगर स्टेशन है। मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ दिखाऊंगा। और साथ में आप दोस्तों देख सकते हैं मेरे बगल में ये एक मंदिर है। और अभी मैं यहाँ से दोस्तों जयनगर से ट्रेन पकड़ के जो है वो नेपाल की यात्रा करने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, लिखा हुआ आपको जयनगर लिखा हुआ नजर आएगा, और ये यहाँ पे जो है ना मैथिली में लिखा हुआ है अहाँ की यात्रा मंगलमय हो। ये जो पूरा एरिया है ना दोस्तों, वो मिथिलांचल का एरिया है, और एक समय यहाँ पे जो है वो राजा मतलब महाराजा जो है उनका रहना हुआ करता था। ये पूरा जो है स्टेशन आप देख सकते इसके अंदर है। और यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, जयनगर दो स्टेशन है, एक ये इंडियन के लिए है और जहाँ से इंडियन ट्रेन जो है खुलती है, और एक इसके आगे जो है वो नेपाली जयनगर स्टेशन है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बाकी दोस्तों स्टेशन पर आपको ATM मिल जाएगा, और ये पार्किंग है, और स्टेशन के जस्ट आप देखेंगे बगल में यहाँ पर आपको एक मंदिर वो भी है मंदिर। और इस रास्ते से आप आगे जाएंगे, मैं अभी जहाँ पे रुका हुआ था होटल में, स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे था ये एरिया। दोस्तों देख सकते हैं लोग जो है काफ़ी सारे हैं, इन लोगों को जो है ट्रेन पकड़ के जो है काफ़ी सारे लोगों को जो है यहाँ से नेपाल भी जाना होता है, और फिर जयनगर से जो बहुत सारी ट्रेनें जो है जयनगर से खुलती है, क्योंकि दोस्तों ये जो है इंडिया का जो है लास्ट स्टेशन है, और इससे आगे दोस्तों इंडिया का कोई भी स्टेशन नहीं है। और अभी मैं दोस्तों जयनगर उस स्टेशन से, नेपाल वाला जो जयनगर स्टेशन है इसके जो बगल में है, वहाँ से ट्रेन पकड़ के और फिर मैं नेपाल में जो है एंट्री करने वाला हूँ। बाकी दोस्तों ये शानदार नज़ारा है। दोस्तों ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए ये टमटम इसको बोलते हैं, यानी घोड़े की सवारी। तो ये चीज़ जो है आपको बिहार, मतलब बिहार समझिए कि गाँव के एरिया में ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप शहर में जाएंगे तो शहर में तो आपको दोस्तों ऑटो टैक्सी ये सब देखने को मिलेगा। बाकी ये देखिए, इस घोड़े की सवारी करने में बहुत ही मज़ा आया था, मैं भी एक बार बैठा था, डर भी लग रहा था। बाकी ये जो शानदार नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, ये है दोस्तों जयनगर स्टेशन का पार्किंग, और यहाँ पर टमटम गाड़ी वाले सब जो है घोड़े के साथ अब खड़े हैं। अभी मैं दोस्तों स्टेशन के अंदर जो है जाने वाला हूँ, सीढ़ियों से चढ़ के जाऊँगा, और फिर आपको अंदर का जो है वो कुछ व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं आपको इंडिया की जयनगर स्टेशन जो है ये वाली स्टेशन है, और इसके बगल में जो आप ये देख रहे हैं ना ये स्टेशन, वो नेपाली जयनगर स्टेशन है। अगर नेपाल आपको जाना है तो वहाँ से ही आपको जो है टिकट मिलेगा, ट्रेन जो है वो इसका स्टेशन है, वहाँ पर देख सकते हैं ये वाला। और बाकी दोस्तों ये वाला जो स्टेशन जो मैं आपको आगे की तरफ से दिखाया था, ये इंडिया का स्टेशन है जयनगर, और जयनगर एक वो स्टेशन और एक यहाँ पे ये स्टेशन है, ये इंडिया का और ये नेपाल का, बीच में ये बॉर्डर आ जाता है। इसके आगे आप जाएंगे तो दोस्तों ये नेपाल आ जाता है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारी ट्रेनें जो है लाइन में खड़ी है, मतलब लास्ट स्टेशन है ना भारत का, तो यहाँ से ही ट्रेन जो है जितनी भी ट्रेनें हैं ना आगे जो जाती है, दरभंगा हो या समस्तीपुर हो या फिर इससे आगे हो, सब जो है दिल्ली की ट्रेन सब यहाँ पे दोस्तों यहीं से जो है खुलती है। सामने दोस्तों देख सकते कितने सारे ट्रेनें हैं, और मैं आपको ये नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी सुबह का टाइम है तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा भीड़ तो है नहीं। आगे दोस्तों नेपाल का पूरा मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, अलग अलग तरह का वीडियो जो है, अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अगर आपको नेपाल की पूरी यात्रा करना है तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहेंगे, अलग अलग जो है वीडियो आने वाली है नेपाल से रिलेटेड, अभी वीडियो आएगी क्योंकि मैं अभी नेपाल जो है वो जाने वाला हूँ, और जो यहाँ से ट्रेन है वो नेपाल की ट्रेन जो है जयनगर स्टेशन से मिलेगी, नेपाली स्टेशन जो है वहाँ से मिलेगी। तो अभी मैं यहाँ का जो है इस ब्लॉग को यहीं पर कर देता हूँ ख़त्म। बाकी दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।